कॉस्टिंग सिस्टम है। तो दो कॉस्टिंग सिस्टम है बेसिकली, एक का नाम जो है वो है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और एक का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग। दोनों ही आपके सिलेबस में शामिल है लेकिन टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, इस वजह से जो प्रोसेस कॉस्टिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कोशिश है कि पहले मैं ये जो है वो कवर करवा लूँ, फिर उसके बाद जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की तरफ जाएंगे। कुछ और एक टॉपिक है वो भी करना है हमने, तो देखेंगे कि पहले वो करना है या फिर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को जो है ना इंपॉर्टेंस देनी है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली आपको पता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो है वो दिखती है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो है हमारे, तो इसमें जो है प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होगा, हमने एक चीज जो है एक डिपार्टमेंट बना रहा होगा, दूसरा डिपार्टमेंट भी बना रहा होगा, तो वो जो एक चीज को बनाने पे जो खर्च आ रहा है ना, हमने उसको देखना होगा, उसकी एक रिपोर्ट बनानी होगी जिसे सीपीआर कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग होती क्या है, किन इंडस्ट्रीज में होती है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग जो है ये उन इंडस्ट्रीज की कॉस्टिंग होती है जहां पे चीजें जो है वो एक जैसी बने, उनका एक स्टैंडर्ड हो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो वहां पे, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो वहां पे, ठीक है, एक नोयत की बने, ये नहीं कि कस्टमाइज ना बने बल्कि एक नोयत की बने जो है वो होमोजीनियस हो। ठीक है, अब जैसे आपके पास एक फर्नीचर की है, सॉरी एक सीमेंट की जो है ना वो कंपनी है, इंडस्ट्री है जो कि सीमेंट बना रही है, उसने सीमेंट बनाना है एक जैसा बनाना है, सबके लिए एक जैसा सीमेंट होगा, ये नहीं होगा कि उसकी क्वालिटी में वो फर्क नहीं करेंगे। अगर एक कंपनी का सीमेंट है उसकी सारी क्वालिटी जो है वो सेम होगी। ठीक है, इसी तरह से फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर में ये हो सकता है आप कस्टमाइज बनाते हैं, एक आपने जो पीस है वो एक और तरह से बनाया, दूसरा दूसरी तरह से बनाया है, तो वो उसमें नहीं आएगा। जी बेटा आवाज आ रही है आप सब तक? बेटा आवाज आ रही है आप सब तक? नहीं, आपका सिग्नल नहीं आ रहे। खामोश बेटा आवाज आ रही है आप सब तक? आ रही है सर जी आपके। तो हम जो है प्रोसेस कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में वो आइटम्स होंगी जो के स्टैंडर्डाइज आइटम है, जो के स्टैंडर्डाइज आइटम है, जिनका स्टैंडर्ड जो है सबके लिए एक जैसा होगा। ठीक है, वो होंगी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको सीमेंट इंडस्ट्री में, तो सीमेंट बन रहा है तो सबके लिए एक जैसा बन रहा है, उसमें क्वालिटी में कोई उसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, सबके लिए जो है ना एक जैसा बनता है। ठीक है, उसका एक ही प्रोसेस है, उससे जो है सबने गुजरना है। लेकिन फर्नीचर में मैंने आपको बताया है कि उसका जो है वो डिजाइन चेंज हो जाता है, उसका जो है वो आपके अकॉर्डिंग जो है जो जो आप कहते हैं उसको जो आप वो कस्टमाइज आप बना सकते हैं, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि क्या चीज शामिल करेंगे, वो आइटम जो कि स्टैंडर्डाइज्ड होंगी। ठीक है, उससे हम कह सकते हैं कि ये जो है ना प्रोसेस कॉस्टिंग का पार्ट है। अब फर्दर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। ठीक है, तो उसमें जो है ना बॉटलिंग, जो कि बॉटल्स बना रही हैं, तो उससे पता है कि ये बॉटल का साइज है, तो उन्होंने जो है ना एक साइज की बॉटल्स बनानी है। कैनिंग, जो कि आपके फूड प्रिजर्व करती हैं चीज जो है वो आइटम्स होती हैं, उनको उनके लिए जो है वो जो फूड प्रिजर्व करने वाली कंपनी है वो ऐसी आइटम जो बनाती है, तो वो भी सब में एक जैसी क्वालिटी जो है वो शामिल करती है। सीमेंट है, कोल है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुकिंग ऑयल वाली है, तो फ्लोर है, ठीक है, रबर, स्टील, टेक्सटाइल, तो ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ना आपके पास, ये सारी जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग जिन पे लागू होती है उन इंडस्ट्रीज की है।
प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो है क्या, प्रोसेस कॉस्टिंग में करेंगे क्या, तो कहता है प्रोसेस कॉस्टिंग दैट कलेक्ट्स डिपार्टमेंट वाइज डाटा ऑफ क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कॉस्टिंग पीरियड एंड रिपोर्ट एंड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है कि उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट से वो डाटा कलेक्ट करती है कि भाई आपने कितने क्वांटिटी जो है, कितने यूनिट्स आपने बनाए हैं और उस पर कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है आपकी, ठीक है, कितने यूनिट्स बनाए हैं उस पर कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट आई है, और फिर उन्होंने क्या करनी होती है, एवरेज निकालनी होती है, एक कॉस्ट की जो है वो एवरेज कितनी आ रही है, ठीक है, एवरेज कितनी आ रही है। उसके बाद ये कहाँ पे अप्लाई होती है, ये वहां पे अप्लाई होती है जहाँ पे मैस प्रोडक्शन हो। मैस प्रोडक्शन से क्या मुराद है, होमोजीनियस आर्टिकल्स हो, होमोजीनियस आइटम्स हो, एक जैसे आइटम्स हो, जैसे अगर बॉटलिंग है तो बॉटल का साइज जो है, उसकी जो क्वालिटी है वो एक जैसी है, अगर केमिकल्स हैं तो उसका साइज जो है वो एक जैसा है, इसी तरह से कोर इंडस्ट्री है, कुकिंग ऑयल्स हैं, ठीक है, या आपके जितने भी ऑयलिंग के जितने भी ये हैं वो इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी इसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है, तो उनमें क्वालिटी में एक जैसी होती हैं, होमोजीनियस होती हैं, मैस प्रोडक्शन भी इसे आप कह सकते हैं। और आर्टिकल्स बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जिसमें एक जैसे जो है ना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम में आ जाएंगे। तो प्रोसेस सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले कि यह है कि यहाँ पे मैस प्रोडक्शन है ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट और टू और मोर प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रही होंगे उन सब में जो है वो आप कह सकते हैं कि मैस प्रोडक्शन होगी उसकी, ठीक है। ऑल यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, जितने भी यूनिट्स ऑफ आउटपुट होंगे वो जो है सिमिलर होंगे और सेम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ जो है ना वो कंप्लीट हुए होंगे, प्रोड्यूस किए गए होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि जो इंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको जो है वो डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया गया होगा, प्रोसेस को डिपार्टमेंट वाइज जो है वो डिवाइड किया गया होगा। कंप्लीटेड आउटपुट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एक्सेप्ट द लास्ट वन इन द रॉ मटेरियल फॉर द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, वो एक डिपार्टमेंट जो चीज कंप्लीट करेगा वो उसको बनाएगा, तो वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट का रॉ मटेरियल कंसिडर किया जाएगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके फिर उसके ऊपर प्रोसेस होना है, फिर उसके ऊपर जो है लेबर और एफर्ट लगना है। तो एक डिपार्टमेंट में वो चीज कंप्लीट हुई है, सपोज आप जो है वो कपड़े की एग्जांपल ले लें, तो जो आपके पास कॉटन थी, ठीक है, कॉटन से आपने क्या किया, धागा बनाया एक डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में आपने क्या करना है, धागे से कपड़ा बनाना है, तो कॉटन से धागा बनाना ये पहला डिपार्टमेंट है। उसके बाद जो दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपने धागे से कपड़ा बनाना है बेटा, ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो रॉ मटेरियल होगा वो क्या होगा, धागा होगा। तो एक डिपार्टमेंट का आप वो कह रहा है कि रॉ जो एक डिपार्टमेंट की फिनिश प्रोडक्ट है या कंप्लीट आउटपुट है वो दूसरे डिपार्टमेंट की जो है वो रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। बाकी एक ज्वाइंट प्रोडक्ट होती है और एक बाय प्रोडक्ट होती है, ये कंसेप्ट है। ज्वाइंट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो कि एक प्रोडक्ट के साथ बन जाती है ऑटोमेटिकली, उसकी जो है वो जरूरत होती है। अक्सर जो है आप लोग देखते होंगे ये जो क्या कहते हैं, ये ब्यूटी पार्लर्स की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें जो है अगर एक उन्होंने मेकअप किट तैयार की है तो साथ कुछ ना कोई और चीज आइटम दे रहे होंगे कि ये जो है आपने साथ इसके यूज करनी है, ज्वाइंटली जो है इसके साथ जो है यूज करनी होगी, फिर इसके जो है रिजल्ट बेहतर आएंगे, ठीक है। एक बाय प्रोडक्ट होती है जो ऐसे खुद ही तैयार हो जाती है, जैसे शुगर इंडस्ट्री में जब शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है तो उसके साथ एक और क्या कहते हैं, एक और कोई इस तरह का मटेरियल जो है वेस्टेज जो है वहां से निकलती है, जिसे आप फर्दर आगे जो है वो यूज कर सकते हैं किसी और प्रोसेस में। इसी तरह से कॉटन जो है, कॉटन से एक तो कपास बनती है और एक कॉटन में एक और होता है उसे पता नहीं क्या कहते हैं, ब्लैक कलर में छोटा सा बनोला, सर बनोला, उससे फिर ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बाय प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिससे एक सेपरेट प्रोडक्ट बनती है। और ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होगी, जिसे आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो है आप साथ एक और प्रोडक्ट भी अपनी ऑफर कर रहे हैं, वो ज्वाइंट प्रोडक्ट में आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्शन इज नॉट इन रिस्पांस टू कस्टमर ऑर्डर बट इट इज एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में इसमें हम कस्टमर के अकॉर्डिंग चीजें नहीं बनाते कि कस्टमर जो है उसने बोला है कि ये चीज ऐसे बना के दो, बल्कि हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस चीज की इतनी डिमांड होगी, मतलब हम एंटिसिपेट करते हैं कि इस साल जो है इतना सीमेंट लगेगा, इस पीरियड में इतना सीमेंट लगेगा, तो हम उसी हिसाब से सीमेंट बना देते हैं, ये नहीं देखते कि कस्टमर ने हमें डिमांड की है, यानी कस्टमर क्या चाहता है किस तरह का सीमेंट हो, ठीक है। तो हम एक डिमांड एंटिसिपेट करके जो है वो चीज बनाते हैं, ना कि कस्टमर के अकॉर्डिंग बनाए। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग है। अब इसके जो है क्वेश्चन की जहां तक क्वेश्चन की बात है,
प्रोसेस कॉस्टिंग में सबसे पहले एक और बात आप देख लें कि हमारे पास जब भी एक प्रोडक्ट बनानी है हमने उस पर तीन तरह के खर्चे आने हैं, वही दोबारा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। इसके ऊपर हम पहले एक लंबी चौड़ी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं, तो यह मजीद करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। तो ये एक प्रोडक्ट के ऊपर ये तीनों खर्चे आएंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH, और हम इन तीनों खर्चे जो हैं हर डिपार्टमेंट के ये इकट्ठे करेंगे। उसके बाद आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं, ये मेन कंसर्न है हमारा CPR रिपोर्ट, CPR कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, ये हमने जो है वो बनानी होगी क्वेश्चन में। इसे कॉस्ट शीट भी कहते हैं, ठीक है, इसे कॉस्ट शीट भी कहते हैं और CPR भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है ये बनानी होगी, जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें हमने ये बनानी है। तो अगर इसको हमने ज्यादा फोकस रखना है ताकि हमारे न्यूमेरिकल पार्ट जो है वो क्लियर हो सके, अगर इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं तो आगे हमारे लिए आसानियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, इस रिपोर्ट को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल का है, इसमें मैं एक बेसिक चीजें बता देता हूँ। इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं कि कितने यूनिट्स बनाए हैं हमने, टोटल कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, कितने आगे भेज दिए हैं, कितने हमारे पास पड़े हैं, एक क्वांटिटी स्केड्यूल जिसमें ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद सेकेंड मेरे पास होगा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट्स, ठीक है, वही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और पिछले डिपार्टमेंट से जो उसके ऊपर कॉस्ट आई है एक चीज को बनाने के ऊपर, तो हमने वो सारी कॉस्ट का टोटल भी देखना है और उसको जो है एज अ पर यूनिट जो है ना वो भी देखना है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो कॉस्ट आ रही है हमें, कितने यूनिट्स हमने बनाए हैं, पर यूनिट की क्या कॉस्ट है, ठीक है। और ये एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन होगी जिसका डाटा हम यूज करके यहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेशन करके यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे भी इसको जो है ना पर यूनिट के साथ जो है ना वो देखते हैं, वो एक जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजीद जो है वो पता चल जाएगा। तो ये चार स्टेप्स हैं। अब मैं हर एक जो है सेक्शन जो है उसकी थ्योरी पढ़ने लगा हूँ, फिर उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल एक आध करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में क्या होता है, क्वांटिटी स्केड्यूल होता है। तो इसमें एक बात आप माइंड में रख लें, तो इसमें जो है हम क्वांटिटी को देखेंगे, इसमें हम अमाउंट को नहीं देखेंगे, इसमें हम वैल्यू को नहीं देखेंगे कि भाई इतनी वैल्यू की ये चीज है, इतनी अमाउंट की ये चीज है, हम क्वांटिटी को देखेंगे, जस्ट क्वांटिटी इसमें आएगी, यूनिट्स आएंगे, केजी आएंगे, यूनिट्स जो है ना वो आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड, ठीक है, कि जब हमने जो है प्रोडक्शन स्टार्ट की, ठीक है, उस वक्त कितने यूनिट्स हमने जो है वो प्रोसेस में डाले। सपोज इतने यूनिट्स मैंने बनाने हैं तो उतने का मटेरियल जो है वो मैंने आगे लेबर और FOH के लिए मैंने जो है वो दिया, ठीक है। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग ये आपको दिए होंगे, या फिर आपको जो है वो इन दोनों में से एक भी गिवन हो सकता है और दोनों भी गिवन हो सकते हैं। यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉस्टिंग पीरियड या ये आपको बता देगा वो इतने हैं, या फिर आपको ये बता देगा कि पिछले डिपार्टमेंट से इतने यूनिट्स आए हैं हमारे पास, अब फर्दर हमने इसके ऊपर प्रोसेस करना है, अब फर्दर हमने इसके ऊपर प्रोसेस करना है। अगर एक ये बता दे, ठीक है, फिर भी ठीक होगा, अगर ये बता दे फिर भी ठीक होगा, या दोनों भी जो है ना वो आपको बता सकता है। अगर दोनों बताएगा तो आपने दोनों का टोटल कर लेना है और टोटल आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे जो कि जिनके ऊपर आपने काम करना है, जिनके ऊपर आपने काम करना है, वो यूनिट जो कि पिछले डिपार्टमेंट से आए हैं और फर्दर आपने प्रोसेस करना है, और कुछ यूनिट्स आपने खुद जो है उसमें ऐड किए हैं कि ये जो है ना इसके ऊपर प्रोसेस करना चाहिए। तो दो तरह के यूनिट्स हो सकते हैं, अगर ये दोनों गिवन है तो दोनों को ऐड कर दें, नहीं तो नॉर्मली इन दोनों में से कोई एक यूनिट, एक टाइप जो है ना वो गिवन होती है, आप इन दोनों को ऐड कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जो यूनिट्स कंप्लीटेड होंगे और कंप्लीट होने के बाद आप ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, वो आपने लिखने हैं। उसके बाद वो यूनिट्स जो के कंप्लीट हो गए लेकिन आपने अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं किए बल्कि अपने पास रखे हुए हैं, कंप्लीट हो गए अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं किए आपने रखे हुए हैं, वो आपने लिखने होंगे स्केड्यूल में। उसके बाद आपने जो है वो यूनिट्स जो कि अभी इन प्रोसेस है, यूनिट्स इन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुए, उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो है वो अभी पूरी नहीं हुई, सपोज उस पर मटेरियल 100% लग चुका है, लेबर जो है वो 50% लगी है, FOH 25% लगा है, तो आपने वो यूनिट्स बताने होंगे कि कितने कितने यूनिट्स पे कितना कितना मटेरियल, कितना कितना लेबर और कितने कितना FOH लगा है, वो आपने यहाँ पे जो है वो अकाउंट फॉर करनी होगी, लिखनी होगी। उसके बाद अगले पॉइंट में आपने क्या करना होगा, जो यूनिट्स लॉस्ट हुए हैं आपके, ठीक है, अच्छा, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस वो होता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसने इनकर्ड होना ही होना होता है, जिसने इनकर्ड होना ही होना होता है, और एक होता है एबनॉर्मल लॉस जिसे आप जो है अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आपकी नाअहली की वजह से वो जो है इनकर्ड हुआ है, ठीक है, आपकी नाअहली की वजह से जो है ना वो इनकर्ड हुआ है। तो जो यूनिट्स
आपके नॉर्मल लॉस में लॉस्ट हुए हैं और जो यूनिट्स आपके एबनॉर्मल लॉस में लॉस्ट हुए हैं, अगर कंप्लीट यूनिट्स हुए हैं तो वो आपने लिखने होंगे कि इतने यूनिट्स जो है मेरे नॉर्मल लॉस में लॉस्ट हुए हैं और इतने जो है एबनॉर्मल लॉस में लॉस्ट हुए हैं। और अगर वो स्टेज ऑफ कंप्लीशन है, ठीक है, कि सपोज वो यूनिट्स जो है अभी कंप्लीट नहीं हुए थे लेकिन लॉस्ट हो गए, तो वो भी आपने इंडिकेट करना होगा, बताना होगा कि इतने यूनिट्स जो है वो स्टेज इन कंप्लीशन पे थे लेकिन वो लॉस्ट हो गए, चाहे वो नॉर्मल लॉस की वजह से हुए और चाहे वो एबनॉर्मल लॉस की वजह से हुए हैं। और फिर आपने जो है ये पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6 में जो हमने पढ़ा है इन सबको आपने टोटल कर लेना है, ठीक है, दो काम करने, एक तो इनका टोटल कर लेना है और फिर इनका टोटल कर लेना है, तो ये नॉर्मल टोटल इक्वल आएगा, मजीद हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, हर क्वेश्चन में ये सारे पॉइंट्स गिवन होना जरूरी नहीं है, इनमें से कुछ शायद 1, 2 या 3 गिवन हो, बाकी गिवन ना हो, ठीक है, तो जो भी होंगे आपने उसी हिसाब से क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना होगा। एक और बात याद रखें, क्वांटिटी स्केड्यूल में अमाउंट का जिक्र नहीं करना हमने, ये क्वांटिटी है तो क्वांटिटी चेक रहेंगे कि इतने यूनिट्स या इतने केजी हमने बनाए हैं इस चीज के, ठीक है, तो जस्ट वही बताने होंगे। किसी को इस डिस्कशन में कोई इश्यू है बेटा पूछे? आवाज आ रही है सब तक? जी सर। उसके बाद सेकंड पार्ट है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट्स। इसमें हम क्या कहते हैं, दिस सेक्शन कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट शोज टोटल कॉस्ट फॉर विच द डिपार्टमेंट आर अकाउंटेबल एंड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, इसमें हम टोटल कॉस्ट बताते हैं और पर यूनिट कॉस्ट बताते हैं, ठीक है, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट इनकर्ड कॉस्ट ऑफ द बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, ठीक है, कॉस्ट ट्रांसफर फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ डेक मटेरियल डेक लेबर एंड एफओएच एडेड बाय द डिपार्टमेंट। इसमें आप क्या क्या चीज लिखते हैं, वो जो पिछले साल वर्क इन प्रोसेस में कुछ आइटम्स पड़ी थी और कुछ जो है वो आपने जो है वो कंप्लीट कर ली थी, तो वो जो अभी वर्क इन प्रोसेस में चीजें पड़ी थी उसको मजीद कंप्लीट करना है ना, उस पर जितनी कॉस्ट आ रही है वो आप लिखते हैं, और पिछले डिपार्टमेंट में जो चीजें आ रही हैं, पिछले डिपार्टमेंट से जो चीजें आ रही हैं उसके ऊपर पिछले डिपार्टमेंट में जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने जो इस अभी डिपार्टमेंट जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और एफएच उसको आपने ऐड करना है। इसके अलावा अगर कोई नॉर्मल लॉस है, ठीक है, इफ देयर इज अ नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कॉस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, अगर कोई नॉर्मल लॉस हो जाता है आपके पास तो जो पिछले प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट जो लास्ट डिपार्टमेंट था इसने चीजें बनाई थी और आपको फॉरवर्ड की थी उसकी कॉस्ट को फिर आपने एडजस्ट करना है, वो कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। द एडजस्टमेंट फॉर लॉस्ट यूनिट्स इज नाउ इज शोन इन द दिस सेक्शन, वो आपने इस सेक्शन में शो करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द सेक्शन प्रोवाइड्स डाटा फॉर अडैप्टिंग वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है, तो आप इसमें क्या करना है, आपने एक तो टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट आपने निकालनी है, उसमें आपने पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है प्लस इस डिपार्टमेंट में जितना भी डायरेक्ट मटेरियल जितना भी लेबर और एफएच लग रहा है उसको आपने लिखना है, और इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस अगर कोई नॉर्मल लॉस होता है तो आपने उसकी एडजस्टमेंट करनी है, वो एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो आपको मैं बता दूंगा बाद में जब क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो, तो ये इसमें हम सेक्शन में क्या करना है, हमने जो चीजें हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से जो है वो जो चीजें हमने ट्रांसफर की है वो और वो चीजें जो कि अभी हम जो है कंप्लीट नहीं हुई इन प्रोसेस में है वो, ठीक है, और जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है वो और वो चीजें जो के वो चीजें जो कंप्लीट हो गई हैं लेकिन आगे ट्रांसफर नहीं की वो और वो चीजें जो कि इन प्रोसेस में है वो, इन सब की जो भी कॉस्ट आ रही है हमने उनकी कॉस्ट जो है वो अकाउंट फॉर करनी है, उसकी कॉस्ट जो है उसकी कैलकुलेशंस करनी है, वो हम कैसे करेंगे, वो किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो हम आगे जाके सीख लेंगे। उसके बाद कंपटीशन है, हम कंप्यूट करते हैं एडिशनल कंपटीशन इसे कहते हैं, ठीक है, इसे इसमें हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या है कि ये चीज जो है जो हम बना रहे हैं, ठीक है, अब इसमें सपोज 5000 यूनिट्स हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं लेकिन 1000 यूनिट ऐसे हैं जो कि 50% उस पर काम हो चुका है, तो इट मीन्स वो कंप्लीट नहीं हुए, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कितनी होगी, 5000 जो कि कंप्लीट हो गए वो और 1000 पे 50% काम हो चुका है, तो 50% 1000 का ले लेंगे तो 500 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 5500 यूनिट्स जो हमारे कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, तो हम निकालेंगे कैलकुलेशंस में आपको मजीद उस वक्त समझ आएगी। यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो यूनिट्स जो हैं लॉस हो चुके हैं हमारे नॉर्मल लॉस में उसकी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट जो कि हम अगले डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए है उसको हम देखेंगे, अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशंस को देखेंगे। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है उसको हम देखेंगे। बेसिकली इसमें जो है जो हम वर्किंग करेंगे
वो यूज होगी हमारी सेकंड में और थर्ड में, सेकंड में और थर्ड में। अब हम एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन जो हमने करने हैं ना वो इस तरह से करने हैं, एक हमने क्वेश्चन करने होंगे, सीपीआर हमने बनानी होगी विदाउट नॉर्मल लॉस, एक इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे हमने जो करने होंगे, उसके बाद सीपीआर हमने बनानी होगी विद नॉर्मल लॉस, अगर नॉर्मल लॉस हो जाता है तो फिर कैसे सीपीआर बनानी है, और थर्ड में हमने सीपीआर बनानी होगी विद एबनॉर्मल लॉस। ये तीन तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम करेंगे, बाकी कोई एक्स्ट्रा आ जाता है तो उसको हम देखेंगे कि इसको हमने करना है कि छोड़ना है। तो ये तीन तरह के जो क्वेश्चंस हैं, सीपीआर हमने रिपोर्ट बनानी होगी हर में, लेकिन विदाउट नॉर्मल लॉस कैसे बनानी है, विद नॉर्मल लॉस कैसे बनानी है, और विद एबनॉर्मल लॉस जो है वो कैसे बनानी है, ये हमने जो है सीखना है। आप जल्दी से मीटिंग दोबारा ज्वाइन कर लें ताकि फर्दर जो है डिस्कशन को जो हम कंटिन्यू कर सकें।